आज है 11 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है बद्री काउस। ये इंडिजिनस काउस हैं जो हिमालय पे उगने वाली हर्ब्स और शर्ब्स खाती हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड की पहली रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड है और मतलब क्योंकि ये हिमालय के ऊपर उगने वाली हर्ब्स और शर्ब्स खाती हैं तो ये कई रोगों से भी मतलब बची रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रोकोनी, मतलब क्रोमियम कोबाल्ट निकल। ये हाई एंट्रोपी अलॉय हैं। हाई एंट्रोपी अलॉय क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट यूज होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में यूज होते हैं, मतलब इसमें क्रोमियम कोबाल्ट और निकल इक्वल प्रोपोर्शन में यूज हुआ होगा, इसलिए इनके मतलब इस कॉम्बिनेशन के कारण ही इनकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। उसके बाद है मलमपांद्रम। ये ट्राइब है जो कि सबरीमाला फॉरेस्ट में रहती है, केरला में। उसके बाद है पीएम स्वनिधि, मतलब स्वनिधि का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम चलाई गई थी 2020 में, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको एक वर्किंग कैपिटल लोन अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको चलाया था। इसमें हर वेंडर को जैसे 10,000 का लोन मिल सकता है, ठीक है, जो कि एक साल में उनको रिपे करना पड़ेगा। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिड भी कहते हैं, ठीक है। अभी इसका तीसरा फेज अनाउंस किया गया है, जिसमें जैसे जो पहले दो फेज थे उसमें 10,000, उसके बाद फिर 20,000 और तीसरे फेज में अब 50,000 तक का वो लोन ले सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो उनको रिपे करना पड़ेगा। फिर इंडिया में कितनी तरह की बेल मिलती है, बेल वो जो अरेस्ट होने के बाद मिलती है, ठीक है। एक होता है रेगुलर बेल, जो जब कोई अरेस्ट हो जाता है या पुलिस कस्टडी में होता है जो उसको बेल मिलती है उसको रेगुलर बेल कहते हैं। इंटरिम बेल वो होता है कि जब केस चलने वाला होता है, ठीक है, उसके पहले जो बेल लेते हैं, ठीक है, रेगुलर बेल के पहले या एंटीसिपेटरी बेल के पहले, उसको इंटरिम बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का होता है, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि किसी को लगता है कि अभी उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, ठीक है, वारस्ट हो जाएगा, तो वो एंटीसिपेटरी बेल पहले से ले लेता है। फिर है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है कि जब ट्रेडर्स जो हैं वो बिना कोई रियल सर्विसेज और गुड डिलीवर किए, ठीक है, फेक टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। इसमें वो शेल कंपनीज के थ्रू सारे सेलिंग और बाइंग दिखाएंगे लेकिन कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा किसी भी गुड्स का, ठीक है। इसमें जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो फेक सेल इन्वॉइसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। इनका कई सारे उद्देश्य हो सकता है, जैसे वो अपना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हैं, हाँ, या किसी बैंक से लोन लेना या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए ऐसा करते हैं, या ब्लैक मनी को उसमें वाइट वॉश करने के लिए ऐसा करते हैं, या जो टैक्स इनपुट क्रेडिट होता है उसको लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक स्टेचुरेटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनी है, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं वो मतलब रिटायर्ड सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर में दो जुडिशियरी मेंबर होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है। और तीन तीन पर्सन होते हैं और वो उसमें से कम एक महिला होनी चाहिए, ठीक है, उनको इस ह्यूमन राइट फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस हो। और इसमें जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इनके नाम को रिकमेंड करती है 6 मेंबर की कमेटी। उस कमेटी के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। उसमें और मेंबर जो हैं वो स्पीकर लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, और यूनियन होम मिनिस्टर, इतने लोग होते हैं उसमें। जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं और इनकी जो अवधि होती है 3 साल की होती है या 70 वर्ष, जो भी सब पहले खत्म होगी, ठीक है। और ये इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, अगर इनकी उम्र नहीं बीती है तो इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जर्नलिज्म कंपटीशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ये यूएसए का एक्ट है, अभी वहाँ पर आया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स हैं उनको एक पावर दी जाए बार्गेनिंग की, कि वो जो बिग कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इन इनसे जो एडवर्टीजमेंट पर रेवेन्यू होता है उसके लिए बार्गेन कर सके, ठीक है। तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।